नमस्ते दोस्तों, मेरी अमीर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर आइसक्रीम बनाना शेयर करते हैं। बहुत इजी स्टेप के साथ इसे बनाना भी इजी है और बहुत ही कम पैसे में बन जाते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गैस पे हाई फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ाते हैं और आधा किलो दूध हमने फुल फैट वाली डाली है कढ़ाई में और उसे गर्म करते हैं उबाल आने तक। और 4 टीस्पून हमने कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में घोल के तैयार किया है। 4 टीस्पून हमने पाउडर लिया है। दूध ठंडा होना चाहिए या रूम तापमान पे होना चाहिए। दूध हमारा उबल गया है और हल्का सा इसकी मात्रा कम भी हो गई है। अब इसमें हम घर का निकला हुआ मलाई ऐड कर रहे हैं। 1 कप मलाई हमने ऐड किया है इसके अंदर। इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह से और जितना मीठा आपको रखना है उस हिसाब से इसमें आप शक्कर डाल सकते हैं या शक्कर पाउडर डाल सकते हैं। हमने इसमें 4 टीस्पून शक्कर पाउडर डाला है और ये कस्टर्ड पाउडर जो घोल के रखे थे उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको 2-3 उबाल तक उबालते हैं। ये जब गाढ़ा होने लग जाए, इतना उबालना है हमें, इस लिक्विड को गाढ़ा करना है। बहुत इजी स्टेप है और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनके तैयार होती है। अब देखिए इस तरह का घोल बन गया है। अब इसे इस तरह के बाउल में डाल देते हैं। और प्लेट से ढक के फ्रीजर में 5-6 घंटे के लिए रख देते हैं। अब 5-6 घंटे हो गया है, ये हल्का हल्का जम गया है। अब इसे फेंट लेते हैं। इस तरह से इसे फेंट लीजिए या फिर आप मिक्सी के बड़े वाले जार में इसे डालकर और ऑन ऑफ करके भी इसे फेंट सकते हैं। आप किसी भी तरह से इसे फेंट के तैयार कर लीजिए। और इसे फ्लफी बनाने के लिए इस स्टेप को करना पड़ता है, तभी आइसक्रीम अच्छे बनते हैं। देखिए इस तरह से तैयार कर लेना है बिल्कुल फेंट के और ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बन गया है। अब देखिए इसमें वापस एक इस तरह के बर्तन में डाल के और इसे पैच कर देना है। और फिर मैंने इसे 8 घंटे तक के लिए पूरे फुल लाइट हमने इसे फ्रीजर में रखा था, अब इसे निकाल लिए, ये तैयार हो गया है। अब किसी भी स्पून की मदद से या आइसक्रीम स्पून की मदद से आप इसे निकाल लीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया और टेस्टी आइसक्रीम बनके तैयार हुआ है। और घर के सामानों से ही बनके तैयार हो गया है। इस तरह से इसे निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। अब इसे टूटी फूटी से गार्निश कर रहे हैं। थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा पिस्ता, आप जो भी चाहिए वो डाल सकते हैं। और